हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। ये मेरा तीसरा लेक्चर है, मैंने नाम दिया हुआ है लेक्चर 3.0। और इस लेक्चर में वॉकेब्स से संबंधित मैं आप लोगों के लिए कुछ वन वर्ड्स लेके आया हूँ, जो डिफरेंट पेपरों में, कंपटीशन के पेपरों में कई बार ये पेपर में एक क्वेश्चन बनता रहता है। स्पेशली बच्चे एयरफोर्स, नेवी, SSC और UPTET, आपका टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, KVS वाले बच्चे, इन कुछ वर्ड्स को बड़े ध्यान से समझिएगा और मेरे तरीके पे ध्यान दीजिएगा। और मैं इसमें आपको कुछ रूट वर्ड भी बताऊंगा, रूट यानी वॉकेब्स की जड़। वो वर्ड अगर किसी भी स्पेलिंग में आते हैं तो उसका सेंस वही निकलता है, चाहे जिस स्पेलिंग में, लगभग उसका सेंस वही निकलता है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। और इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में मैं ग्रुप वाइज पढ़ाता हूँ। जैसे आज मैंने ग्रुप का नाम दिया हुआ पर्सन, यानी इसमें मैं कुछ है ना व्यक्तियों के एटीट्यूड को लेकर या उनके प्रोफेशनल वर्क को लेकर उनको एक शब्द में क्या कहा जाता है वो वॉकअप यहाँ बताने जा रहा हूँ। पर्सन की अगर हम बात करें तो पर्सन में के लिए एक रूट वर्ड बनाया गया है और वो रूट वर्ड है IST। ध्यान दीजिएगा इस बात को, IST ये वॉकअप्स के ऑलमोस्ट सफिक्स के रूप में जुड़ता है। IST जिस स्पेलिंग में भी सफिक्स के रूप में जुड़ जाए तो वो किसी न किसी व्यक्ति की बात करेगा। वन वर्ड में वो वन हु लिख के आएगा, पर्सन लिख के शुरुआत होगी उस सेंटेंस की। मैंने यहाँ वॉकअप्स में वो सेंटेंस नहीं लिखे है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, हिंदी भी बता दूंगा उसकी। मैं यहाँ वॉकअप्स लिखा हूँ, इन वॉकअप्स का अगर मीन्स आपको पता होगा तो वो किसी भी तरीके से आपके पेपर में पूछेगा, आप आसानी से उसका आंसर दे लोगे, उसका मीन्स जान पाओगे। एक चीज और बताएं कि जिस तरीके से बदलाव हो रहा है अपने कंपटीशन के एग्जाम में, यानी कि जो पेपर बहुत अच्छे से बनाए जा रहे हैं, तो उनमें कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वाली जो वॉकअप्स होती है उन्हीं को ये लोग वन वर्ड बना के भी पूछ लेते हैं, तो कुछ वर्ड मैंने उसमें भी डाले। बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, कई पेपरों में रिपीट भी होते रहते हैं ये, तो ध्यान दीजिएगा मेरे तरीकों को, इन द वे ऑफ सूर्याज स्टाइल। देखिए पहला वर्ड आपको हम बात करें तो पैंथिस्ट दिया हुआ है, इसमें भी आप देखिए सफिक्स के रूप में IST जुड़ा हुआ है, यानी कि ये किसी न किसी व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहा है। और अगर इस वॉकअप्स के मीन्स की बात करें तो मैं इसको अपनी स्टाइल में पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। और इसमें कुछ रूट वर्ड है वो जरा ध्यान सुनिएगा, जैसे एक वर्ड है आपका PAN। PAN किसी भी स्पेलिंग में जुड़ जाए तो उसका सेंस ऑल से होता है या उसका सेंस यूनिवर्स से होता है। PAN किसी भी स्पेलिंग में अगर जुड़े, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आपने एक वर्ड पनेसिया, बड़ा पॉपुलर वर्ड रहा है कुछ जमाने में, पनेसिया मतलब रामबाण, आ मेडिसिन फॉर आई डिसीज होती है, उसकी स्पेलिंग में भी PAN आता है। PAN किसी भी स्पेलिंग में आए तो ऑल का सेंस या यूनिवर्स का सेंस निकलता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें THE है, एक्चुअल में पूरा रूट वर्ड जो है वो THEO होता है। THEO किसी भी स्पेलिंग में आ जाए तो उसका सेंस जो निकलता है वो गॉड से निकलता है, भगवान से निकलता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो थीस्ट और एथीस्ट सुना होगा, वो भी वन वर्ड के रूप में ही है, हालांकि वो इतने सरल हैं कि अब अपने पॉपुलर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी वन वर्ड है वो। थीस्ट और एथीस्ट यानी एक में आस्तिक और एक में नास्तिक। थीस्ट की बात करें तो वन हु बिलीव इन गॉड, और एथीस्ट वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है वो एथीस्ट कहलाता है। तो इन दोनों स्पेलिंग में THE और उसके बाद फिर IST जुड़ा हुआ है, इस वजह से है ना वहाँ पे ओ नहीं हुआ है, लेकिन पूरा रूट वर्ड THEO है। जिस स्पेलिंग में मिल जाए उसका संबंध कुछ ना कुछ गॉड से जरूर निकलता है। तो वही देखिए लिखा हुआ है पैंथिस्ट, और IST की बात करें तो IST मतलब पर्सन होता है। अब इसको मैं मिला रहा हूँ तो सुनिएगा, पैंथिस्ट को हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं सर्व ईश्वरीवाद, यानी एक वो बंदा जो है ना ये समझता है कि हर जगह भगवान विद्यमान है। अ डॉक्ट्रिन, एक थ्योरी जहाँ पे है ना ये कहा जाए कि मेरे अंदर भगवान है, आपके अंदर भगवान है, इस नेचर के अंदर भगवान है, उस व्यक्ति को ही हम क्या बोलते हैं, पैंथिस्ट। डन हुई इतनी बात। तो PAN और या यूनिवर्स का सेंस, THEO कहीं पे भी आए गॉड का सेंस, और IST कहीं पे भी आए तो पर्सन का सेंस। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिस।
एग्नोस्टिक्स की अगर हम बात करें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपका एक वर्ड बोला है एथिस्ट, या एथिस्ट का ही सिनोनिम्स भी आप बोल सकते हो। अब एग्नोस्टिक्स में मेरे पास कोई है इसमें रूट वर्ड नहीं है, आप एथिस्ट का सिनोनिम रूप में यूज कर सकते हो, बस अंतर ध्यान सुनना। एग्नोस्टिक्स जो होता है वो बंदा होता है जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह रहता है, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी उसे डाउट है कि भगवान है कि नहीं। लेकिन एथिस्ट में क्या है कि वो जानता है भगवान है लेकिन फिर भी है ना वो उनको मानता नहीं है। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है, अदरवाइज एग्नोस्टिक्स और एथिस्ट दोनों सिनोनिम्स है। आप नास्तिक बोल सकते हो, आप निरंकारी बोल सकते हो, इनको अज्ञेयवादी भी बोला जाता है शुद्ध हिंदी में इसको एग्नोस्टिक। ठीक, एक वर्ड रिपार्टी है, ये रिपार्टी जो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसी का ये लोग वनवर्ड बना के पूछ सकते हैं। रिपार्टी का एक सिनोनिम्स आप ध्यान रखिएगा रिटोर्ट होता है, और रिटोर्ट मतलब प्रति उत्तर देना, क्विक आंसर देना अपनी बुद्धिमत्ता से तुरंत, है ना, वहीं पे कहते हैं जिसे हाजिर जवाब, वो रिपार्टी या रिटोर्ट कहलाता है। तो इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, एक कॉमन वर्ड यहाँ पे मिल रहा है इन दोनों में कि री री मतलब दोबारा, पहले उसने सुना उसके बाद दोबारा उसने तुरंत उसका आंसर दिया, वो रिपार्टी या रिटोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एपोस्टेट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। एपोस्टेट को शुद्ध हिंदी बोलते हैं स्वय धर्म त्यागी, यानी वो बंदा जो अपने धर्म को त्याग देता है, अपने धर्म को अपने रिलीजियस को छोड़ देता है, उसे हम एपोस्टेट कहते हैं। इसको याद करने के तरीका ध्यान देना, इसको रूट वर्ड नहीं है लेकिन मेरी स्टाइल में मेरे तरीके ध्यान देना कि वो बंदा जो अपना स्टेट छोड़ दे, देखिएगा स्टेट के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, अपना स्टेट छोड़ दे, अपना राज्य छोड़ दे, अपना देश छोड़ दे, वो किसी दूसरे देश में अगर जाएगा तो वहाँ के है ना सारे रिजर्वेशन पाने के उसको वहाँ का धर्म कबूलना पड़ेगा, वहाँ का संविधान कबूलना पड़ेगा। तो उसी स्टेट से आप इस वर्ड को याद रखेंगे स्वधर्मता के। एक और छोटा सा तरीका है वो भी ध्यान दीजिएगा, इसी स्पेलिंग के अंदर ही मैं वो आपको लॉजिक बता रहा हूँ। वो बंदा जो अपनी पोस्ट को खा जाए, ध्यान दीजिएगा POST पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट का सेंस धर्म से है और ईटेन खाने का सेकंड फॉर्म है, तो वो बंदा जो अपनी पोस्ट यानी अपनी धर्म को खा जाए उसे हम एपोस्टेट कहते हैं, यानी स्वय धर्म त्यागी कहते हैं। तो मेरी इसी स्टाइल से आप इस वर्ड को याद रखोगे। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल में तो आ ये कॉमन वर्ड है, आप लोग खुद भी सुने भी होंगे। इसमें एक रूट वर्ड है BI, किसी भी स्पेलिंग में आ जाए उसका सेंस डबल से होता है, और लिंगुअल भी रूट वर्ड है, लिंगुअल किसी भी स्पेलिंग में लगाओ तो उसका सेंस लैंग्वेज से होता है। जैसे आपने एक वर्ड लिंग्विस्टिक्स सुना होगा, लिंग्विस्टिक्स यानी कि भाषा शास्त्र जिसे हम बोलते हैं, और बाइलिंगुअल हो गया तो लिंगुअल मतलब लैंग्वेज हो गया, और बाई मतलब टू, यानी वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, वो बाइलिंगुअल कहलाता है। द्विभाषी के सेंस के लिए हम बाइलिंगुअल यूज करते हैं। तो BI डबल के सेंस के लिए, लिंगुअल लैंग्वेज के सेंस के लिए, दोनों रूट वर्ड है। अगला सुनिए कैरिकैचरिस्ट, तो कैरिकैचर भी ऐसे आप याद रखिएगा, कैरिकैचर ये हम है ना हाथ से व्यंग चित्र बोलते हैं, और IST लग गया तो पर्सन हो गया, यानी वो व्यक्ति जो कार्टून बनाता है, जो है ना हाथ से व्यंग चित्र बनाता है। इसको याद करने का एक तरीका बताऊं कि मैं दैनिक जागरण पेपर या और किसी पेपर में एक कार्टून कोना हुआ करता है, उसमें है ना पॉलिटिक्स के ऊपर व्यंग्यात्मक चित्रण किया जाता है, उसी चित्रण को, उसी कार्टून को हम कैरिकेचर कह सकते हैं, और उस व्यक्ति को बनाने वाले को कैरिकेचरिस्ट कहते हैं। तो आप इस वर्ड को आप उन पेपर के कार्टून से ही याद रखिएगा, हास्य व्यंग चित्र। नेक्स्ट है इगोइस्ट और इगोटिस्ट, ये दोनों वर्ड आप एक साथ पढ़ने की कोशिश करना, होमोफोन्स भी बोल सकते हैं उसको, और वन वर्ड के रूप में पूछे जा सकते हैं। दोनों ही को अगर आप डिक्शनरी देखोगे तो दोनों का ही सेंस अहंकारी निकलता है, लेकिन दोनों में अंतर है, वो अंतर ध्यान देना। इसमें से एक बंदा जो है वो है ना अपनी अचीवमेंट को बखान करता फिरता है, सत्र बताता फिरता है, और दूसरा जो बंदा है वो है ना
खुद से ही है ना रिजर्व रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता है, उसको हम उन्हीं दोनों के लिए हम इन दो वर्ड का यूज करते हैं। फिर से सुन लिया, जैसे आपका फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के है ना जॉब लग गई और वो है ना सब जगह गाता फिर रहा है कि मेरी जॉब लग गई, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, अपने अचीवमेंट को है ना वो बखान करता फिर रहा है, उनमें से एक बंदा है। और दूसरा बंदा वो है कि जैसे उसको जॉब लगी है, जॉब के ट्रेनिंग के बाद वो आया है, तो है ना आप उससे मिलने गए, आपने उससे हाय बोला लेकिन उसने हाय का जवाब नहीं दिया, हेलो नहीं किया उसने, तो भी आप बोल रहे हो कि यार बड़ा अहंकारी हो गया, जॉब लग गई तो बात नहीं कर रहा है। तो ये दो टाइप के अहंकार है। ऐसे भी आप कॉमन भाषा में ईगो बोला करते हो कि यार उसके अंदर बहुत ईगो है, तो ये वर्ड भी ईगो से याद रखना है, अहंकार से बना हुआ वर्ड है। और अब इन दोनों में कौन सा अपनी अचीवमेंट को बखान करता है, बड़ी बड़ी भागता है, और कौन जो है ना अपने आप में रिजर्व रहता है? तो ध्यान सुनिएगा कि जो बड़ी बड़ी भागता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने अचीवमेंट की बातें करता है, तो उसके लिए वोकल्स भी बड़ी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये देखिए टी लेटर जो एक्स्ट्रा है, तो ये अपने अचीवमेंट को है ना बखान करने वाला, और ये जो है वो अपने आप से प्यार करने वाला, वो इगोइस्ट। तो मेरी इस बात को लेकर इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। अगला वर्ड है फैटलिस्ट। तो भैया फैटलिस्ट आप फेथ से याद रखना, फैटलिस्ट मतलब जो इस पे अपने किस्मत पे भरोसा रखता है, वन हु बिलीव इन लक बिलीव इन फेथ, वो फैटलिस्ट कहलाता है। तो फैटलिस्ट आप फेथ से ही याद रखिएगा कि जिसे अपने विश्वास होता है, किस पे अपने लक पर यानी जिसे हम विश्वास बोलते हैं, अपने किस्मत पे भरोसा रखने वाला बोलते हैं, वो फैटलिस्ट रहता है। इसके लिए मैं अक्सर एक बात बोलता रहता हूँ थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लास को बनाने के लिए, कि कुछ बच्चे यही सोचते हैं कि यार किस्मत में होगी तो नौकरी लगेगी, फिर चाहे फॉर्म भरे और चाहे ना भरे। कुछ तो बच्चे ऐसे भी हैं कि घर में बैठे सोचा करते हैं कि यार अगर किस्मत में नौकरी है तो ससुराल वाले खुद ही उठा के ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई करीब करिए। फैटलिस्ट उसी उन्हीं लोगों के लिए है कि जो अपने किस्मत पर भरोसा रखते हैं, कर्मों पर नहीं, वो फैटलिस्ट कहलाता है। अगला वर्ड है ग्लूटन। तो ग्लूटन भैया पेटू होता है, ठीक, खाने पीने का शौकीन आदमी होता है, और इसको रूट वर्ड नहीं है लेकिन एक तरीका याद करने का, वो बंदा जो टन टन भर के खाता है, ध्यान दीजिएगा टी ओ एन आखिरी में है, तो इसी से मैं आपको याद कर रहा हूँ कि वो बंदा जो टन टन भर के खाता है यानी पेटू खाता होता है, उसे हम ग्लूटन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है नियोफाइट। ये भी आप सिनोनिम एंटोनिम में भी पूछा जा सकता है, ये वन वर्ड में भी पूछा जा सकता है। बिगिनर के सेंस के लिए नियोफाइट बोलते हैं, यानी कि जो कोई काम है ना पहली बार स्टार्ट कर रहा है, जिसे आप नौसिखिया भी बोल सकते हो, नियोफाइट कहलाता है। इसकी स्पेलिंग में ही पूरा मीन्स छिपा हुआ है। देखिए ये न्यू है, न्यू मतलब न्यू हो गया, और नया आदमी जो है वो फाइट करता रहता है, संघर्ष करता रहता है, तो वो नियोफाइट कहता है। इसका बड़ा पॉपुलर सिनोनिम तो आप लोगों ने सुना होगा नोवाइस, तो वो नो वाइस भी याद रखिएगा। इसको याद कराता हूँ मैं इस तरीके से कि इस बंदे को कोई भी काम बोले तो ये हमेशा क्या कर देता है, नो कर देता है, क्योंकि इसको वो काम आता नहीं है, नो सीखिया है। तो उसी से ये याद रखना, नियोफाइट और नो वाइस दोनों सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है एसेंट्रिक। ये भैया थोड़ा सा सेंट्रिक होता है, यानी थोड़ा सा सनकी होता है, थोड़ा सा क्रेजी माइंड होता है, यानी कि वो बंदा जो हैबिट्स को लेकर बड़ा स्ट्रेंज रहता है, अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है, उसे हम एसेंट्रिक कहते हैं। अच्छा, इसी का एक सिनोनिम मैंने और कहीं लिखा हुआ, ये देखिए आइडियोसिंक्रेसी। तो ये तो बिल्कुल है ना आपकी वॉकअप में सेंस से निकल रहा है, वॉकअप में इसका मीन्स निकल रहा है क्रेजी। बस स्पेलिंग पे ना जाइएगा, मेरे तरीके पर ध्यान दीजिएगा, याद करने तरीका। ये भी है ना स्ट्रेंज हैबिट्स, पेकुलर हैबिट्स, वन हु हैव पेकुलर हैबिट्स, वो एंड योर इज सिंक्रेजी कहलाता है। तो क्रेजी से ही इस वर्ड को याद रखना, सेंटिक, और ये दोनों आपके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। क्रेजी माइंड लोगों को, सनकी लोगों को हम है ना एसेंट्रिक और इडियोसिंक्रेजी कहते हैं। डन। नेक्स्ट बेटा रेटिसेंट वर्ड है। रेटिसेंट आपका है ना कम बोलने वाला होता है, वन हु स्पीक लेस, वो रेटिसेंट कहलाता है। ये अब इसमें मेरे पास कोई ज्यादा कलाकारी नहीं है, आप रेटिसेंट याद रखिएगा। इसी का एक सिनोनिम मैं आपको जरूर बता सकता हूँ, वो है आपका टेसिटर्न। ये भी याद रखना, कम बोलने वाला होता है, या लैकोनिक भी इसका है ना पॉपुलर सिनोनिम्स है। ये दोनों है आपके सिनोनिम्स है कम बोलने के लिए, कम है ना साई नेचर के, रिजर्व नेचर के लिए हम रेटिसेंट बोलते हैं।
एंटोनिम की बात करें तो आप लोगों ने टॉक एक्टिव सुना होगा, लोकसियस सुना होगा, वो इन दोनों के एंटोनिम्स हो। ठीक, अब ये आप अपने तरीके से याद रखना। अगला वर्ड है पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन पैदल यात्री है, और इसको याद कराने का तरीका है कि इसमें भी एक रूट वर्ड है PED। ये रूट वर्ड जरूर मेरे ध्यान दीजिएगा। मेरी एक सलाह भी है कि दो पेज मेरे रूट वर्ड के बना लीजिएगा। इसमें मैं कई सारे लगभग आप 100 के आसपास में रूट वर्ड मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, इन्हीं वॉकअप में निकल के आएगा। तो वो रूट वर्ड पेपर के एक दिन जरूर पढ़ के जाना, वन वर्ड करने में बड़े आसानी होगी आपको। तो PED किसी भी स्पेलिंग में आ जाए तो समझ लीजिए उसका सेंस फुट से होता है, पैरों से होता है। तो इसका एक जीता जाता है एग्जाम्पल ये भी मैं बोल दूं कि साइकिल में आपका एक पैडल लगा होता है, वो समझ लीजिए पैडल की स्पेलिंग में भी PED है, और वो भी पैरों से ही यूज किया जाता है। पैडलर सुना होगा, पैडलर मतलब फेरी वाले होते हैं जो आपके गली मोहल्ले में ना सब्जी या दूसरी चीजें है ना बेचा करते हैं, वो भी पैडलर कहलाते हैं। तो वही पेडिस्ट्रियन में PED है, यानी कुछ ना कुछ सेंस फुट से होगा, यानी पेडिस्ट्रियन पैदल यात्री होता है आपका, वॉकिंग ऑन फुट होता है, यानी पैदल चलने वाले को हम पेडिस्ट्रियन कहते हैं। अच्छा, इसी में आपके है ना कुछ और वर्ड मैं आपको अगर बताऊं तो देखिएगा, PED से लेकर जैसे एक आपका बाईपैड सुना होगा, बाईपैड। अब ये वर्ड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर रूट वर्ड ध्यान दिए तो इसका मीन्स आप खुद निकाल सकते हो कि एक BI दिया हुआ है और एक PED दिया हुआ है। BI मतलब मैंने अभी आपको बताया कि भैया टू का सेंस होता है, और PED मतलब मैंने अभी बताया कि भैया पैरों का सेंस होता है। तो बाईपैड मतलब दो पाया होता है, यानी दो पैरों पे चलने वालों को हम बाईपैड कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, इंसान है, वो बाईपैड कहलाता है। इसी में चौपाया आप लोग सुने होंगे तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं क्वाड्रूपैड। क्वाड्रूपैड तो इसमें भी PED है, यानी पैरों से संबंध है, यानी कि चौपाया के लिए हम क्वाड्रूपैड। और क्वाड्रूपैड आप चाहो तो क्वार्टर से याद रखना, क्वार्टर मतलब कि 1/4, यानी 4 का सेंस आ रहा है, तो वो क्वाड्रूपैड पैड कहलाते हैं, यानी बाईपैड दो पाया हो गया, क्वाड्रूपैड चौपाया हो गया। तो पेडिस्ट्रियन पैदल यात्री होता है, इडियोसिंक्रेसी मैं आपको बता चुका हूं, यह आपके किसके लिए, क्रेजी के सेंस के लिए होता है, क्रेजी माइंड के लिए होता है। अब आइए सेकंड लाइन की वॉकअप पे ध्यान दें, तो लिखा हुआ है पिलग्रिम। पिलग्रिम भैया तीर्थ यात्री होते हैं, वो बंदे, वो लोग जो तीर्थ स्थल के है ना क्या करते हैं, जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, वो पिलग्रिम कहलाते हैं। अब इसमें मेरे पास कोई भी लॉजिक नहीं है, आप लोग अपने तरीके से याद रखना, बाकी आप लोग खुद ही है ना घूमने फिरने जाया करते हो, तीर्थ स्थलों में जाया करते हो, उन्हीं को हम पिलग्रिम कहते हैं। अगला वर्ड है स्पोक्समैन। इसकी वॉकअप में पूरा सेंस लिखा हुआ, स्पोक मतलब बोलना, स्पीक का सेकंड फॉर्म, मैन मतलब आदमी, वो बंदा जो किसी के फेवर में है ना बात करता है वो स्पोक्समैन कहलाता है। ठीक, किसी के फेवर में बात करने वाले बंदे को हम स्पोक्समैन कह सकते हैं। ठीक है, वो आप स्पोक्समैन कहलाता है। अगला वर्ड है टीटो टेलर, और टॉपर और शॉर्ट, ये दोनों वर्ड आप एक साथ याद रखना, टीटो टेलर और टॉपर या शॉर्ट, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। टीटो टेलर की बात करें, सॉरी इसमें शायद एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें TEE है, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, TEE। ठीक, टीटो टेलर ये जो वर्ड है ये मद्यपान त्यागी होता है, यानी वो बंदा जो ड्रिंक नहीं करता, जो किसी प्रकार का अल्कोहलिक नहीं होता है, किसी प्रकार का ड्रग्स नहीं लेता है, वो टीटो टेलर कहलाता है। और जो दारू पीने में टॉपर होता है, ध्यान देना वो नीचे वाला वर्ड है, ठीक, ड्रिंक करने में हैबिचुअल ड्रिंकर होता है वो टॉपर कहलाता है। अच्छा, एक क्लास में भी टॉपर होता है, लेकिन याद रखना उसमें PP होता है, उसमें एक सिंगल PE होता है। इसी का एक सिनोनिम शॉर्ट है, SOT, शॉर्ट। और शायद आपने ये कई बार मूवी में भी सुना होगा कि है ना 1 शॉट लिया, 2 शॉट लिया, छोटी सी वो प्यारियां देखा करते हैं मैं TV वगैरह में, है ना जो है ना बाहर में जाते हैं लोग, है ना, और उसमें है ना छोटी सी है ना उसका मैंने 1 शॉट लिया, 2 शॉट लिया, तो इस वही शॉट है, इसको भी इंग्लिश में ही हम है ना शॉट बोलते हैं, और ये भी नशेबाज होता है। तो टीटो टेलर जो है ना दारू नहीं पीता है, टॉपर या शॉट जो हैबिचुअल ड्रंकर्ड होता है, दोनों एंटोनिम। ठीक, अगला वर्ड है अग्रेसर। तो इसकी स्पेलिंग में भी इसका मीन सुना होगा, आप अग्रेसिव से याद रखिएगा इस वर्ड को। ये वन वर्ड के रूप में मैंने एक प्रैक्टिस बुक में देखा है, आया था ये, कि वन हु फर्स्ट अटैक, जो पहले ही अटैक करता है, अग्रेसिव होता है, फ्रंट पर रहता है, वो अग्रेसर कहलाता है।
ठीक, तो अग्रेसिव से इसको याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। अब ध्यान देना जरा कि अल्ट्रुइस्ट है, इसी का एक सिनोनिम से देखिएगा जरा, ये वर्ड है आपका फिलैंथ्रोपिस्ट। दोनों सिनोनिम से अल्ट्रुइस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट, और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड है कंडीशन के पेपर में, कई जगह पर रिपीट हो चुके हैं ये। अब अल्ट्रुइस्ट में तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपको ट्रस्ट रहेगा, आपको ट्रस्ट रहेगा, रूट वर्ड नहीं है मेरा तरीका, आपको ट्रस्ट है कि वो आपकी हेल्प करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा। यानी अल्ट्रुइस्ट परोपकारी होता है, हेल्प करने वाला होता है, मददगार होता है। और इसी का सिनोनिम फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, इसे हम मानव प्रेमी कहते हैं। अब इस वर्ड वन वर्ड को भी मैं पोस्टमार्टम करके बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, इसमें कुछ रूट वर्ड है। एक रूट वर्ड ये फिलो है, ठीक है, फिलो। ध्यान दीजिएगा कि मैं ना यहाँ पे आपको फिलो लिख रहा हूँ, ठीक। और पूरा रूट वर्ड जो होता है वो PHILO होता है, ये फिलो। फिलो किसी भी स्पेलिंग में आ जाए, लव का। अच्छा इधर सुनिएगा कि ये रूट वर्ड जब किसी स्पेलिंग जुड़ते हैं तो कोई ना कोई ये लेटर में लोचा हो जाता है, उस लोचे पे ध्यान ना दें क्योंकि आगे एंथ्रो जुड़ के इसलिए ओ गायब हो गया है, लेकिन सेंस वही निकालेगा। फिलो मतलब लव होता है, और इसके आगे ये एंथ्रो है, और एंथ्रो कहीं पे गया है तो उसका सेंस मैनकाइंड से होता है, यानी मानव समाज से होता है, और आईएसटी मतलब पर्सन। अब पूरा मिला लीजिए, आपका पूरा सेंस निकल आएगा, वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी जो मानव समाज से प्यार करता है, लोगों की मदद करता है, वो फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है। उसी का सिनोनिम है आपका अल्ट्रुइस्ट, ठीक। तो आप मेरे रूट वर्ड्स इसको याद रखिएगा भाई, फिलो लव होता है, और एंथ्रो मैनकाइंड होता है, और आईएसटी पर्सन होता है, अल्ट्रुइस्ट इसी का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, तो एम्बिडेक्स्ट्रस होता है। एम्बिडेक्स्ट्रस में भी एक छोटा सा रूट वर्ड मैं आपको बताऊं, BI चाहे मान लो, चाहे पूरा MB मान लो, BI या MB, ये भी आपका BI से तो समझ ही गए कि इसमें कुछ ना कुछ संबंध दो से होगा, ठीक। डेस्टर ये भी अगर केवल इतना ही वर्ड आ जाए कहीं पे सिनोनिम सेंटर में तो भी याद रखना, डेस्टर मतलब एक्सपर्ट होता है, कुशल होता है। अब पूरा इसका मीन ये था कि वो बंदा जो दोनों हाथों को इक्वली यूज कर सकता है, वन हू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, जीता जाता है। एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपने है ना 3 Idiots मूवी देखी होगी, तो उसमें आपने वायरस को देखा होगा, वो दोनों हाथों से लिखने में एक्सपर्ट था। तो वो बंदा जो दोनों हाथों को है ना लिखता है आराम से और इक्वली यूज करता है, एक्सपर्ट तरीके से यूज करता है, तो वो आपका एम्बिडेक्स्ट्रस कहलाता है। यानी दोनों हाथों से लिखने वाले को हम एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं, दक्ष होता है, कुशल, ठीक। तो BI से याद रखना या 3 Idiots के वायरस से याद रखना, तो वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वर्ड एसेटिक, एसेटिक याद रखना, इसमें कोई रूट वर्ड नहीं है, इसको याद करना पड़ेगा। एसेटिक तपस्वी होता है, ठीक, जो है ना सन्यासी बोलते हैं आप लोग, जो कई सारे आपके इसके सिनोनिम्स आप प्रीस्ट सुने हो गए आप लोगों ने, ठीक, वो आपका कहलाता है। इसका सिनोनिम्स है PRIEST, ठीक, प्रीस्ट या सेंट आप लोगों ने सुना होगा, हर्मिट सुना होगा आप लोगों ने, ठीक, वो सब एसेटिक के ही सिनोनिम्स है। अगला वर्ड ऑडिटर, तो ये तो ऑडिट से बना हुआ है, ठीक है, ये भी एक मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिस पेपर में, पूछा गया था ये भी आपके पेपरों में ना। ऑडिट मतलब संकलन करना, आकलन करना, यानी वो बंदा जो ऑडिट करने जाता है, जो चेक करने जाता है, कैलकुलेशन करने जाता है, वो ऑडिटर कहलाता है। अगला है ऑरिस्ट, भैया ऑरिस्ट ध्यान रखना, आप इसको है ना आई स्पेशलिस्ट, सॉरी ईयर स्पेशलिस्ट बोल सकते हो, यानी जो कान का डॉक्टर होता है वो ऑरिस्ट कहलाता है, ठीक। और AU है भाई, AU से आप थोड़ा सा याद रखना, ऑडियो से याद रखना, बस इतना मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, बाकी इसमें और कोई कलाकारी नहीं है। तो ऑरिस्ट कान के स्पेशलिस्ट को, ईयर के स्पेशलिस्ट को हम ऑरिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट भी बहुत है ना पॉपुलर वर्ड है, इसका मतलब दिवालिया होता है, यानी वो बंदा जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है उसे बैंकक्रप्ट कहते हैं। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, वो बैंकक्रप्ट कहलाता है। और इसमें देखिए, इसमें भी एक रूट वर्ड निकाल के दे रहा हूँ आपको, RUPT किसी भी स्पेलिंग में आ जाए तो याद रखना उसका सेंस है हिंड्रेंस से होता है, हिंडर से होता है, यानी बाधा से होता है, रुकावट से होता है।
इंट्रैप तो सुना होगा आप लोगों ने, करप्शन सुना होगा, करप्शन की स्पेलिंग में भी RUPT आता है, भ्रष्टाचार होता है अपने देश की सबसे बड़ी बाधा करप्शन ही है, तो RUPT किसी भी स्पेलिंग में आ जाए वो बाधा रुकावट के सेंस के लिए। और ये बाधा और रुकावट कहाँ पर है, बैंक, बैंक में क्या है, किससे संबंधित है, पैसों से संबंधित है, यानी वो बंदा जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है बैंकक्रप्ट कहलाता है। इसी का एक पॉपुलर सिनोनिम है इंसॉल्वेंट, है ना, इंसॉल्वेंट भी आप लोगों ने सुना होगा, वो भी दिवालिया कहलाता है, कर्ज लेकर चुका ना पाने वाले को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोज, भैया ध्यान सुनना, बेलिकोज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेलिकोज झगड़ालू होता है, रेडी टू फाइट होता है, जो हर समय लड़ाई के लिए तैयार रहता है। याद करने का तरीका, इसमें भी एक रूट वर्ड है BEL, ये ध्यान सुनिएगा, BEL किसी भी स्पेलिंग में आ जाए उसका सेंस फाइट से निकलता है, झगड़े से निकलता है। आपने कॉमन वर्ड कई जगह पे सुना होगा रीबेल, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, ये देखिए इसी के सिनोनिम में लिख सकता हूँ रीबेल। ये देखिए आपके साउथ की मूवी है उसमें शायद ये रीबेल है ना, मैंने सुना होगा, तो BEL इसमें भी आया, BEL यानी झगड़ा, और री मतलब होता है दोबारा पुनः, तो रीबेल मतलब कि है ना झगड़ा करना, दोबारा झगड़ा करना, यानी बार बार झगड़ा करना, पर झगड़ा की जगह पे आप विद्रोह बोल दीजिए, यानी रीबेल जो होता है वो विद्रोही होता है, और उसी में बेलिकोज आ गया, तो ये भी झगड़ा करने वाला, रेडी टू फाइट के सेंस के लिए यूज करते हैं। मैं तो इसको अपने तरीके से बताता हूँ कि भैया जहाँ बैल आदमी होगा वहां हर समय क्या होता रहेगा, झगड़ा होता रहेगा। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफाइल। अब ध्यान सुनना, ये वर्ड भी आपका है ना रूट वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो रूट वर्ड बिब्लियो याद रखना, किसी भी स्पेलिंग में बिब्लियो लग जाए तो आप ध्यान देना उसका सेंस बुक से निकलता है, किताबों से निकलता है। और फाइल जो वर्ड लिखा है ना, ये फाइल वर्ड जरा इधर आइए और ये देखिए फिलो लिखा हुआ है, ये वही फिलो रूट वर्ड है इस जगह पे फाइल, यानी कि लव के सेंस के लिए, यानी वो बंदा जो किताबों से बहुत प्यार करता है, यानी अध्ययन करता है, पढ़ना का बहुत शौकीन होता है, वो बिब्लियोफाइल कहलाता है, पुस्तक प्रेमी जिसे आप कह सकते हो, वन लव्स बुक्स के लिए वो बिब्लियोफाइल कहलाता। अच्छा, इसी बिब्लियोफाइल का एक सिनोनिम जरा इस लाइन में आ जाइए, बुक वर्म, तो आप इसका मीन्स तो इसकी स्पेलिंग में छिपा हुआ है, बुक मतलब बुक हो गई, वॉर्म मतलब कीड़ा होता है, वही एक किताबी कीड़ा जिसे कहते हैं, यानी जिसे अध्ययन करने का बड़ा शौक होता है, वो बुक वॉर्म कहलाता है। तो बुक वॉर्म और बिब्लियोफाइल दोनों सिनोनिम है। अगला वर्ड ब्रिगेंड, भैया अब इसमें मेरे पास कोई लॉजिक नहीं, कोई कहानी नहीं, भैया याद रखिएगा ब्रिगेंड जो होता है ये डकैत होते हैं, रॉबर होते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा ब्रिगेंड ये है ना डकैतों के सेंस के लिए यूज करते हैं हम लोग, रॉबर के सेंस के लिए यूज करते हैं। अच्छा, आगे के ये दो वर्ड और वन वर्ड के रूप में बड़े पॉपुलर हैं, 12-13 साल पहले मेरे जमाने में तो ये कई बार है ना पूछे गए कंपटीशन के पेपर में, एमिग्रांट और इमिग्रांट। एक को हम प्रवासी बोलते हैं, एक को हम अप्रवासी बोलते हैं। देखिए हिंदी में मुझे नहीं समझ में आता कौन प्रवासी अप्रवासी, लेकिन आपको उसी इंग्लिश में जो वन वर्ड लिख के आएगा उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि इसमें से एक बंदा वो है जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है, सुनना है, और एक बंदा वो है जो अपना देश छोड़कर हमारे देश में यानी इंडिया में आता है। अब कौन सा है इनमें से, क्या एक बंदा अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है और एक बंदा अपना देश छोड़कर हमारे देश में आता है, तो ध्यान देना मैं इसकी स्पेलिंग में ही अपनी स्टाइल से मैं बता रहा हूं, इधर ई लिखा हुआ है, आप ई से एक्सपोर्ट याद रखिएगा, और इधर आई लिखा हुआ है, आई से आप इम्पोर्ट याद रखिएगा, लिखिए बनिया कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात, इंपोर्ट मतलब होता है आयात, अंदर मतलब अंतर सिर्फ इतना है कि एक्सपोर्ट जो होता है चीजों को क्या जाता है, लेकिन इमिग्रांट जो होता है ये इंसानों का होता है, इंपोर्ट चीजों का होता है, लेकिन इमिग्रांट जो होता है ये आपका क्या हो गया इंसानों का, यानी एमिग्रांट वो बंदा जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाता है, और इमिग्रांट वो बंदा जो अपना देश छोड़कर हमारे देश में आता। ठीक, डन। अगला वर्ड सुना एपिक्योर, एपिक्योर भी भैया क्या होता है, सेंसुअल प्लीजर के लिए बोलते हैं, ध्यान दूंगा सेंसुअल प्लीजर भी, यानी सेंसुअल प्लीजर मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों को हमेशा खुश करने वाला, खाने पीने का शौकीन भी, ग्लूटेन का भी सिनोनिम ये कहलाता है। ठीक है, और
खाने पीने का जो है ना शौकीन होता है उसे एपिक्योर कहते हैं। और इसको याद करने का तरीका क्योर से याद रखना, क्योर मतलब इलाज, क्योर मतलब निरोगी, यानी इलाज हो गया तो निरोगी हो गया, जब कोई रोग नहीं है तो वो पूरा भरपेट खाएगा पिएगा तो वही एपिक्योर कहलाता है। ठीक, खाने पीने के शौकीन को हम एपिक्योर कहते हैं। अगला है फैनेटिक, भैया फैनेटिक भैया याद रखना ये कट्टरपंथी होता है। ठीक, इसके कई सारे सिनोनिम्स हैं, बड़ा पॉपुलर सिनोनिम्स आप लोगों ने बाय गॉड भी सुना होगा, ये भी याद रखना। कट्टरपंथी यानी वो बंदा जो है ना एक्सेसिव एंथुजियाज्म होता है इन इज रिलीजियस मैटर्स, यानी जो धार्मिक है ना काम में है ना बिल्कुल कट्टर रहता है वो आपका फैनेटिक या बाइगोट कहलाता है। ठीक, ऑर्थोडॉक्स भी इसका सिनोनिम्स होता है, जीलट भी इसी का सिनोनिम्स होता है। ठीक है, बाइगोट एक वर्ड और याद रखना, तो ये आपके कट्टरपंथी के सेंस के लिए कहते हैं। ठीक, अगला वर्ड है फास्टिडियस, यह बड़ा पॉपुलर वर्ड है फास्टिडियस, तुनक मिजाज होता है। चाहो तो आप ये कह सकते हो कि अभी मैंने आपको असेंट्रिक पढ़ाया था, एडियोसिंक्रेसी पढ़ाया था, ये उसी के सिनोनिम्स है फास्टिडियस, यानी कि तुनक मिजाज, वन हु फास्टिडियस तुनक मिजाज यानी क्रेजी माइंड, वन हु हार्ड टू प्लीज, जो बड़ी मुश्किल से मानते हैं, यानी सनक गया तो फिर चाहे आप नाक रगड़ते रहो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो फास्टिडियस कहलाता है। अच्छा, इस समय आप हाइजीनिस्ट वर्ड भी सुन रहे हो। ठीक, हाइजीन है, खाने पीने को लेकर है ना बड़ी है ना आप है ना मतलब ध्यान रखते होगे कि किसी प्रकार की परेशानी, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आप है ना इधर उधर जा नहीं सकते हो, कहीं पर क्लिनिक नहीं खुले हुए हैं दूसरी चीज़ों के लिए, तो वही हाइजीन होना यानी कि अपनी हेल्थ का पूरी तरीके से ध्यान रखना, वो हाइजीनिस्ट कहलाता है। ठीक, तो ये आपका मेडिकल से संबंधित वर्ड है, कन्वर्ट के रूप में पूछा जा सकता है। अगला है इम्पोस्टर, भैया इम्पोस्टर धोखेबाज होता है। ठीक है, दूसरे को है ना धोखा देने के सेंस के लिए हम इम्पोस्टर यूज करते हैं। याद करने का तरीका सुनो, जहाँ मैं अंडरलाइन कर, रूट वर्ड नहीं है मेरा तरीका है, जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वहाँ सुनिएगा, पोस्टर लिखा हुआ है। आप लोग कई सारे कोचिंगों के पोस्टर देखा करते हो, कई लोग है ना वो अपनी कोटेशन डालते हैं कि 100% सफलता, सफलता की कुंजी हमारे पास हो, हम आपको ऊंचाई तक ले जाएंगे, हमारे पास हो हम आपको नौकरी दिलाएंगे, क्या ये सारी चीज़ें पोस्टर आपकी क्या है ना सही बोलते हैं? भैया ध्यान सुनो, वैकेंसी बोलता ही वो पोस्टर और उनके आगे लग गया आईएम। आईएम एक प्रीफिक्स है जो सेंस उल्टा निकाल देता है कि यानी ये सारे पोस्टर आपके हो सकते हैं कि क्या हूँ भाई, धोखेबाज हूँ। तो धोखेबाज के सेंस के लिए आप इस वर्ड को याद रखोगे कि इम्पोस्टर यानी पोस्टर में छपी हुई चीज है ना सब सही नहीं हो सकती है, वो इम्पोस्टर कहलाता है। अगला वर्ड है इनफालिबल, इनफालिबल को शुद्ध हिंदी में अचूक बोलते हैं। आप इंग्लिश में कह सकते हो वन हु डज नॉट एनी मिस्टेक, यानी वो बंदा जो किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करता है वो इनफालिबल कहलाता है। देखिए, सबसे पहले तो आईएन लगा हुआ है प्रीफिक्स के रूप में, ये कुछ वर्ड आपके जुड़ जाए तो सेंस नाका निकालते हैं, उल्टा निकालते हैं, जैसे आईएन हो गया, ऊपर आईएन मैंने आपको दिखाया आपको, और आगे लिखा है फाल, फाल मतलब गिरना, यानी ये बंदा गिरता नहीं है, यानी इस बंदे से कोई गलती नहीं होती है, तो वही इनफालिबल कहलाता है, यानी कि ये इस बंदे से कोई मिस्टेक ना हो। अगला इंटायरेंट, भैया इंटायरेंट भी वन वर्ड है, पॉपुलर वन वर्ड है। इंटायरेंट मतलब जो होता है वो आपका है ना एक स्थान से दूसरे स्थान पे जर्नी करने वाला होता है, घुमक्कर बोल सकते हो, प्लेस जर्नी प्लेस टू प्लेस, वो इंटायरेंट कहलाता है। अब इसमें रूट वर्ड नहीं है लेकिन मेरे तरीका ध्यान दीजिएगा, इसमें ना मैं आपको ये जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ तीन लेटर है, स्पष्ट बोलिए आई टी आई। आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक किए हुए बंदे को कानपुर में क्या एफिशिएंट जॉब मिलती है? भैया नहीं, 8,000 की मिली, ज़्यादा अच्छे टर्न ओवर हो तो 10,000 की मिली, लेकिन वो 10,000 में खर्चा नहीं हो पाता है, फिर ये लोग स्विच ओवर करते हैं मेट्रो सिटी में है ना ज्वाइन करते हैं, अच्छी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, फिर उसके बाद वहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस लेकर दूर स्विच ओवर कर जाते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, फिर तीसरी कंपनी में चले जाते हैं, फिर है ना आगे आगे बढ़ते हुए ये लोग है ना दूसरी जगह पे भी पहुंच जाते हैं। तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन टेक्निकल बंदों ने क्या कर रखा है, आईटीआई बीटेक पॉलिटेक्निक। तो इसी बात पे मेरी ये वर्ड याद रखना है इंटायरेंट, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा करना होता है। अब इस लाइन की बात करते हैं तो ये देखिए अगला वर्ड है मटेरियलिस्टिक,
भैया मैटरनिस्टिक मतलब होता है यथार्थवादी, यानी जो है ना पूरी तरीके से है ना वास्तविकता पे ध्यान देता है वो मैटेरियलिस्ट कहलाता है। ठीक, मटेरियल से बना हुआ वर्ड है लेकिन इसी को पर्सन में जोड़ दें तो यथार्थवादी होता है। ठीक है, यानी कि वो बंदा जो है ना वास्तविकता रियलिटी पे विश्वास करता है वो मटेरियलिस्ट कहलाता है। ठीक, अफवाहों पे ध्यान नहीं देता है। अगला है मर्सिनरी, भैया बड़ा पॉपुलर वर्ड है ये भी ध्यान देना। मर्सिनरी मतलब भाड़े का टट्टू बोलते, यानी ये बंदे पैसों के पीछे कुछ भी कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, ये किसी की क्लेम भी कर सकते हैं, ये किसी को है ना डकैती किसी के यहाँ भी डाल सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, लेकिन किसके लिए, विद द सेक ऑफ मनी, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको हम मर्सिनरी कहते हैं। अब इसको याद करने के बाद रूट वर्ड नहीं है लेकिन एक छोटा सा है ना मैं आपको क्रिएटिविटी बता रहा हूँ। ये देखिए मर्सी ना करें, वो बंदा जो मर्सी ना करें, आप देखते हो क्या ना फिरौती की रकम मिल जाती है फिर भी है ना उसको जिसको किडनैप किया जाता है उसको मार डाला जाता है ताकि वो है ना बाहर जाके एक्सपोज ना कर दे। यानी ये बंदे मर्सी नहीं करते हैं। ठीक है, मर्सी मतलब किसी पे दया नहीं करते हैं, वो मर्सिनरी कहलाते हैं, भाड़े के टट्टू जिसे हम कह सकते हैं। अगला वर्ड है ऑप्टिमिस्ट, भैया ऑप्टिमिस्ट और एक और वर्ड सुना होगा पैसिमिस्ट, दोनों ही एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं और बड़े पॉपुलर वन वर्ड रहे हैं। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, यानी वन हु लुक ब्राइट साइड वो ऑप्टिमिस्ट, वन हु लुक डार्क साइड वो पेसिमिस्ट कहलाता है। अगर इन दोनों कंफ्यूजन हो तो एक छोटी सी बात बताऊं, ये देखिए मैंने ऑप्ट पे यहाँ पे अंडरलाइन की, ऑप्ट मतलब ऑप्शन, आशावादी बंदा जो होता है अगर किसी जगह पे सक्सेस नहीं होता है तो हार नहीं मानता है, वो और ऑप्शन ध्यान देता है और ऑप्शन पे दिमाग लगाता है। तो उसी से याद रखना, ऑप्शन से ऑप्टिमिस्ट, आशावादी और पेसिमिस्ट निराशावादी। अगला वर्ड है पैरासाइट, पैरासाइट तो आप ऐसे भी सुना कर दो, परजीवी होते हैं यानी दूसरों पर निर्भर होने वाले, आपका ये पर से ही इसको ही निकल आएगा कि परजीवी जिसे हम कहते हैं, दूसरों पर है ना क्या रहते हैं डिपेंड रहते हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं। अगला वर्ड है फ्लैंडर, बड़ा ही मस्त वर्ड है। ठीक, पहले तो ये याद रखना है इसमें फिलो जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, रूट वर्ड है यानी कुछ ना कुछ सेंस लव से है। भैया शुद्ध हिंदी में ध्यान से सुनो, फ्लैंडर मतलब छिछोरा होता है जो है ना लड़कियों के पीछे पीछे भागता है वो फ्लैंडर कहलाता है। ठीक, यानी कि केवल एंटरटेनमेंट के लिए जो लव मेकिंग करता है वो फ्लैंडर कहलाता है। ठीक है, सिर्फ एंजॉय के लिए लव मेकिंग करता है वो फ्लैंडर। तो फिलो से ही याद रखना इसको, इसमें रूट वर्ड है फिलो यानी लव के सेंस के लिए। फिलैंथ्रोपिस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगला वर्ड है पायनियर, भैया पायनियर भी आप सुन देखा करते हो, खूब सुन रहे हो इस समय न्यूज वगैरह। पायनियर मतलब लीड करने वाला होता है, पायनियर मतलब वन हु लीड्स इन हिज आर्मी, या है ना आपका है ना पायनियर मतलब सेनापति भी बोल सकते हो, तो वो आपका पायनियर कहलाता है। ठीक, तो लीड करने वाले बंदे को, कमांडिंग करने वाले बंदे को हम पायनियर कहते हैं। एक वर्ड है आपका सैडिस्ट, तो ध्यान देना इसमें देखो सैड लिखा हुआ है, सैड के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं तो आपका कुछ दिमाग चल रहा होगा मेरी स्टाइल में सैड मतलब क्या होता है, दुखी होता है। आप है ना थोड़ा सा ध्यान देना इसको कि सैड मतलब दुखी, लेकिन ये खुद दुखी नहीं होता है, ये दूसरों को है ना दुखी देकर अपना बड़ा एंजॉय करता है वो सैडिस्ट कहलाता है। यानी कि वो बंदा बनू हर्ट्स अदर्स, दूसरे को हर्ट्स करता है और फिर खुद एंजॉय लेता है वो सैडिस्ट कहलाता है। ठीक, पर पीड़क जिसे बोल सकते हैं हम शुद्ध हिंदी में वो सैडिस्ट कहलाता है। तो याद सेट से ही रखना लेकिन उल्टा हुआ है। अगला वर्ड जो लिखा हुआ ये श्रीयु है, SHREW, श्रीयु, श्रीयु आपका झगड़ालू महिला होती है। ठीक है, इसको याद रखने, झगड़ालू महिला होती है जो हर समय झगड़े के लिए तैयार रहती है, और कोई इसमें मेरे पास लॉजिक नहीं, कोई कहानी नहीं है, आप इसको याद रखना। और इसी का एक सिनोनिम मैं आपको और बता दूं, एक वर्ड है टर्मागेंट, टर्मागेंट भी ये वर्ड याद रखना, ये इसी का सिनोनिम है, ये भी है ना झगड़ालू महिला के सेंस के लिए यूज होता है। ठीक, अगला यूसरर, भैया यूसरर को शुद्ध हिंदी में सूदखोर कहते हैं,
वो बंदा जो हाईली इंटरेस्ट पे पैसों को देता है, ब्याज पे देता है, लोन पे देता है और फिर उनके उसके ब्याज से जो वसूलता है वो यूजर कहलाता है। अब ऐसे थोड़ा सा कलाकारी करना कि ये सूदखोर हमें यूज करते हैं, यूज से याद रखना, बाकी और कोई इसमें रूट वर्ड नहीं है। जो यूज करते हैं, पैसे ले लेते हैं, पैसे देते हैं, ठीक है, और अच्छे ब्याज पे देते हैं, तो वो क्या है कि वो वसूली करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो यूजर मतलब सूदखोर के सेंस के। अगला वर्ड है स्टोइक, या स्टोइक उदासीन होता है, ठीक, जिसे सुख और दुख में कोई और एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी नहीं करता, ये जैसा है वैसे बना रहता है। नॉन टैलेंट बोल सकते हैं हम लोग, इनडिफरेंट बोल सकते हैं हम लोग, वो स्टोइक कहलाता है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, लास्ट वर्ड आपका स्टोइक उदासीन के सेंस के लिए, न्यूट्रल के सेंस के लिए, ठीक, नॉन टैलेंट के सेंस के लिए हम इसका यूज कर। तो ये कुछ वन वर्ड है आपके पर्सन के ग्रुप के, अभी इसमें और भी वन वर्ड मिलेंगे आपको, तो ध्यान दीजिए। वॉकेब बताने के तरीके हैं, जैसे पहले मैंने आपको है ना रिटेल वर्ड की हेडिंग डलवाई, वो मेरा लेक्चर वन था, उसके बाद दूसरा लेक्चर मैंने होमोफोन्स को दिया, वो भी वॉकेब थी, फिर तीसरा लेक्चर मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रहा हूँ, ये भी वॉकेब आपके रूप में आती है, फिर उसके आगे और भी है ना वर्ड पावर के रूप में भी मैं वन वर्ड आपको वॉकेब बताऊंगा। तो इस तरीके से ये क्रम चलता रहेगा आप लोगों को। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।